मोतिहारी से एक बड़ी घटना सामने आई है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली में आज सुबह बॉयलर फटने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों में एक को मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। सुगोली के बांगड़ा रेलवे फाटक के समीप स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए खाना बनाया जा रहा था कि एकाएक बॉयलर विस्फोट कर गया। विस्फोट इतना भयानक था कि खाना बनाने वाले घर की दीवार गिर गई है, साथ ही 4 लोगों के शरीर टुकड़ों में बिखर गए हैं। सब के टुकड़े 2 किलोमीटर दूर तक बिखरे मिले हैं। यहां से सुगोली नगर पंचायत के सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था, जहां भोजन बनाने के बाद स्कूलों में पहुंचाया जाता था। बांगड़ा रेलवे फाटक के समीप एक खंडर नुमा घर में बन रहा खाना रोजाना आधी रात से बनना शुरू होता था। आज भी खाना आधी रात से बनना शुरू हुआ और करीब 4 बजे के करीब एकाएक बॉयलर विस्फोट कर गया। खाना बनाने में एक दर्जन से अधिक लोग शामिल थे, जबकि विस्फोट में गिरी दीवार से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही एक अन्य गिरे दीवार के नीचे से दबकर एक जख्मी को निकाला गया है। पुलिस ने शवों के बिखरे अंगों को समेटकर मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा है। मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं खाना बनाने के काम में लगे लोगों के परिजन अपने परिवार के सदस्यों के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मौके पर सुगोली के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री रामचंद्र साहनी, सदर SDO और SDPO पहुंचकर जांच और मलबों को हटाने का काम शुरू कराया है। न्यूजीलैंड के लिए मोतिहारी से राजेश कुमार की रिपोर्ट। अभी अर्ली दी मॉर्निंग कुछ खाना बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया सिलेंडर, जिस कारण से बहुत से लोग कैजुअल्टी हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक ही विजय यादव नाम के एक पेशेंट है, ये आए हैं। ये 90% बर्न हैं और हमारे जो सर हैं HP ठाकुर सर, हमारे सर हैं सुरेश सर, ये आ चुके हैं और हमारी सारी टीम जो है यहाँ पे उपलब्ध है और सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और हम लोग जितना हो सकता है अच्छा कर रहे हैं। जगह एक बांगरा गांव है जहां पे मध्याह्न भोजन के किसी ठेकेदार ने टेंडर ले रखा है मध्याह्न भोजन बनाने का, तो वहीं पे भोजन बन रहा था। उसमें बहुत सारे वर्कर हैं जो कि जीवधारा के हैं, वही लोग सब वहां पे खाना बनाते थे और वो खाना विभिन्न विद्यालयों में सप्लाई जाता था। तो उन्होंने अपने स्टॉक के लिए एक बड़ा सिलेंडर नहीं रखे बल्कि एक बड़ा लोहा का टैंक बना रखा था। वहीं टैंक ने ब्लास्ट किया लगभग 4:30 बजे के आसपास में, जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए हैं जिनकी गिनती अभी नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोगों के लोथड़े और लाशें हाथ पांव कट के बाहर बाहर तक जा गिरे हैं। तो वहां पे अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे, हम एम्बुलेंस वाले हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली के, हमने पहुंचा वहां पे लगभग दस मरीजों को हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली में दिया। उसके बाद 2-4 मरीजों को मैंने लेकर सदर हॉस्पिटल मोतिहारी आया है। ये पूरी मामला है जो गैस ब्लास्ट होता है ना, लोहा का एक बहुत बड़ा टैंक बना रखा था, वहीं गैस ब्लास्ट किया है जिसमें छतों की बिल्डिंग उड़ गई है, दीवारें गिर चुकी है बहुत सारे लोगों की। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है